राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल जो आपके नए मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति बताई जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे गजब का उदाहरण दिया है और मैं इस उदाहरण से वाकई सहमत हूँ। शिंदे भी महाराष्ट्र के थे और ये भी आ गए हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, अभी तो मोदी को जो ये मध्य प्रदेश का चुनाव भी था, एक तरह से ये प्रयोग स्थल था 2024 के चुनाव का। तो अब जो नई टीम बनी है, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और कल राजस्थान हो जाएगा, तो इनमें जो जातीय समीकरण निकल के आ रहे हैं वो इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो सारे साल चुनाव के मोड में रहती है, अब वो लोकसभा चुनाव के अलावा उसको कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो अभी तक आप ये देख देखिए कि जैसे मोहन यादव की बात आपने करी, फिर मैं अपने वाले विषय पे आता हूँ। मोहन यादव ओबीसी से हैं, शिवराज सिंह चौहान एक चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन गए थे, 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद ओबीसी से थे। अब वो है, जाहिर है कि अब आप उनको, उनकी बदौलत काफी कुछ पार्टी के पक्ष में माहौल बना। मैं ये नहीं कहता कि केवल शिवराज की वजह से माहौल बना, बल्कि शिवराज की भूमिका बड़ी थी और शिवराज की जीत का जो योगदान है जीत में, आप उसको कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन उनकी लगातार उपेक्षा की गई, अपमानित किया गया। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पद पर बैठे दूसरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपमानित ऐसा कैसे कर सकता है? हम लोग ये देख रहे थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को, मध्य प्रदेश में शिवराज को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किस तरह से हाशिए पर रखा गया, या हमारी जो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, पुड़िया बना के बंद कर दी। तो शिवराज आप कोई बहुत प्रसन्न तो नहीं होंगे, उमा भारती उधर ओबीसी से हैं वो प्रसन्न नहीं है। तो अब ओबीसी की जो नाराजगी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% वोटर ओबीसी का है, तो अब लोकसभा चुनाव में अगर वो ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाते तब बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो चीजें जो बनी हैं और जो मंत्रिमंडल काम करेगा, ये फौरी तौर पर सिर्फ लोकसभा तक का समीकरण है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए शिवराज को बना देते ओबीसी के, तो आप लोकसभा के बाद हटाते क्या? जिसने आपको विधानसभा जिताया और मान लीजिए लोकसभा भी जीत गए, तो फिर ये कहा जाता कि जिसने आपको दो दो चुनाव जिताए, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहा, तो उसको क्यों हटा रहे? मोहन यादव को हटाना आसान होगा बनिस्बत शिवराज सिंह चौहान के। अब आइए दूसरी बात पे आते हैं। जैसे कि बात हो रही थी इंडिया को लेकर के, और मैं ये बात मैं अनुराग जी से सहमत होना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों की भूमिका कहाँ शुरू होती है? अगर भारतीय जनता पार्टी चक्रवर्ती हो रही है, बढ़ रही है, 300 के पार हो, 400 के पार हो, 500 के पार हो, और दूसरा दल कमजोर हो, तो अब ये जाहिर सी बात है उनकी अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन एक जागरूक डेमोक्रेसी के एक शुभचिंतक होने के नाते, मुझे लगता है हम पत्रकारों की क्या ये भूमिका नहीं होती कि हम ये बात कहें कि लोग डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष का एक मजबूत होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस किस स्थिति में है और एनसीपी क्या है और टीएमसी ममता बनर्जी क्या है, या वो एक अलग बात है, लेकिन वहां हमारी एक विशिष्ट एक्टिविस्ट वाली भूमिका शुरू होती है, जहां हम ये पाते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष इतना शक्तिशाली हो रहा है कि उसके अधिनायक होने का खतरा है, तो फिर हम लोग लोकतंत्र के नजरिए से शुभचिंतक होकर के खड़े नजर आना चाहेंगे। पहली बात तो बड़ी साफ है ये। दूसरी चीज ये है कि हर चीज का ठीकरा हर बड़ी पार्टी के सिर पे हम थोप कर हम संतुष्ट नहीं हो जाना चाहेंगे। भाई, 15 करोड़ का वोट बैंक अगर कांग्रेस पार्टी लेकर बैठी है, तो सारी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पार्टी की ही है? आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का औसतन वोट 4% के करीब रहता था, 3.5-4.5 ऐसा रहता था। अब इस बार उन्होंने 5 सीटें वाली बात तो बाद बाद में कही, लेकिन उन्होंने 27 सीटों पर तो अपने कैंडिडेट पहले खड़े कर दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी पार्टियों का भी एक व्यावहारिक दायित्व है। इंडिया गठबंधन के साथ मुश्किल ये है कि वो एक एक बैनर तले तो हैं,
लेकिन क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को वो स्पेस देगी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चाहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो स्पेस कांग्रेस को देंगे जो कांग्रेस चाहेगी? तो ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पोस्ट पोल अलायंस कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, उससे पहले तो ये कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी। हाँ, इस बीच में जो दक्षिण भारत में है वो कांग्रेस की उपस्थिति मुझे लगता है पहले से बेहतर होगी। तेलंगाना का नतीजा इस बात का गवाह है। और दक्षिण भारत के अलावा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो क्लियर कट डिवीजन है, सांप्रदायिक विभाजन है, और वो विभाजन ऐसा है कि अब बीजेपी प्रचार करे तो, ना करे तो। जब बटन दबाने ईवीएम पे महिलाएं जाती हैं या दूसरे हमारे कई वर्गों के लोग जाते हैं, तो फिर वो अंततः ये कहते हैं कि देखो मुसलमानों को ठीक कर दिया इसने। इसी ग्राउंड पर वोट होता है। और मैं बहुत, चूंकि अभी घूमने की बात हो रही थी, सतीश जी जो कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो तीनों राज्यों में खूब घूमा हूं और पूरे 3 महीने लगातार घूमता रहा हूं। और मैं ये आपसे कह सकता हूं कि 1977 का चुनाव जो मैंने कवर किया था मध्य प्रदेश में, 77 का जो चुनाव था उसमें जो जनता पार्टी की लहर थी, जब हम लोग भी सेंसरशिप के खिलाफ आए थे सड़कों पर, ये इस बार सुनामी थी बीजेपी के खिलाफ। हार का कारण निश्चित रूप से कांग्रेस की चमत हम लोगों को मतलब आश्चर्य में डालने वाला है। अब इस बहुत सारे विश्लेषण होंगे, पराजय के कारण होंगे, लेकिन यहाँ इस बार आंधी थी, आंधी के बाद भी ये नतीजे आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इतना कैंपेन मध्य प्रदेश में नहीं करते तो ये पार्टी फिर 30 के ढेर पर बैठी हुई थी मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं यहाँ इस बात से पुनः अपनी बात समाप्त करूंगा कि डेमोक्रेसी में हम निश्चित रूप से, हमारी तो चिंता इस बात की है कि पक्ष तो मजबूत मुझे बहुत नजर आ रहा है पहाड़ जैसा, लेकिन प्रतिपक्ष चूहे जैसा नहीं होना चाहिए और प्रतिपक्ष की मजबूती के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए।